नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ करेले से बने बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 250 ग्राम करेले, और इस तरीके से देखिए लंबाई में और थोड़ा सा मोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। देखिए थोड़ा सा हम मोटे रखेंगे, और करेले आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छे से 3 से 4 बार मैंने साफ पानी से धो लिया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम आधे घंटे रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए नमक मैंने अच्छे से मिला दिया है, अब हम रेस्ट के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम अच्छे से करेले को निचोड़ते हुए एक दूसरे प्लेट में रख लेंगे, और अच्छे से 2 से 3 बार साफ पानी से और धो लेंगे। तो टाइट हाथों से हमें दबाते हुए करेले को निचोड़ लेना है। और आप देख सकते हो कितना एक्स्ट्रा पानी निकले है। पानी को हम फेंक देंगे और करेले को अच्छे से हम 2 से 3 बार साफ पानी से फिर से धो लेंगे। अब हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे स्वादानुसार, डालेंगे हम कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम डालेंगे 3 चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद अच्छे से हम करेले में सभी मसाले मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 मिनट रेस्ट के लिए रखिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट फ्राई कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने बेसन और मसाले करेले में मिक्स कर लिया है। अब हम रेस्ट के लिए रखेंगे 10 मिनट, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। 10 मिनट बाद हम कढ़ाई में ले लेंगे तेल। तेल जैसे हमारा मीडियम गर्म हो जाए हम करेले इसमें डालते जाएंगे। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना ही हम डाल के गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। एक बारी में हम मुट्ठी भर के नहीं डालेंगे, इस तरीके से हम एक एक करके डालेंगे, और डालने के साथ ही हम चलाएंगे नहीं स्पैचुला से। थोड़ा सा हम फ्राई हो जाने देंगे, फिर हम 1 चम्मच से पलट देंगे। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच ले लेंगे और चम्मच से इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। जो करेला खाना पसंद नहीं करते वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। दाल चावल के साथ खाने में तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैं चम्मच से इस तरीके से चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए और आप देख सकते हो करेला का जो कलर है बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। जब तक आप एक बार इस तरीके से बना के नहीं खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा ये कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। अगर आपको करेला खाना पसंद हो तब आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए अब हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज की रेसिपी सिर्फ एक बार आप मेरे कहने पे बनाइएगा ज़रूर। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।